जिस तरह का घिनौना और बेशर्म घालमेल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अस्वाभाविक सरकार बनाने में हुआ था, वो कोरोना संकट के दौरान स्पष्ट रूप से दिखता रहा है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ने मिलकर एक बार भी काम नहीं किया। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ तौर पर महाराष्ट्र की विफलता में कांग्रेस की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख जैसे एनसीपी नेता भी बिल्कुल नाकारा साबित हुए, जिससे संकट और बढ़ गया। चतुर शरद पवार की भूमिका भी अटकलबाजियों और दलदल में धंसी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके साथ उनकी लंबी बैठकें चली, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो बैठकें कोई सकारात्मक सलाह देने के लिए थीं या उनका मकसद एनसीपी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार से कुछ काम निकालना था। पूरी तरह से गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री ठाकरे के घिसे पिटे फेसबुक लाइव के बावजूद महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों में 36% से अधिक योगदान महाराष्ट्र का है। हर रोज यहां औसतन 2000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। इस नाकामी का जिम्मा साफ तौर पर सीएम ठाकरे की अयोग्यता और अपनी गद्दी को लेकर उनके अनाड़ी विचारों पर जाता है, साथ ही उस प्राकृतिक गठबंधन पर भी जिसके एजेंडा में शासन का मुद्दा कभी दूर दूर तक था ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान सीएम ठाकरे का कार्यक्रम क्या रहा है, शायद ही कोई सबूत होगा, जिसमें वो अपने साथी मंत्रियों या नौकरशाह से बात करके नियमित रूप से हालात का जायजा लेते हों। लेकिन कोई ताज्जुब नहीं है कि 24 मई को जब सीएम ने अपने फेसबुक लाइव पर ऐलान किया कि महाराष्ट्र सभी उड़ाने चालू करने के लिए तैयार नहीं था, शाम तक उनके कैबिनेट सहयोगी मंत्री नवाब मलिक ने अगले दिन से 25 उड़ानों की पुष्टि कर दी। जब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम के उस बयान को चुनौती दी तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। कोविड-19 संकट के दौरान महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व की कमी की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण खुद करते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को पता ही नहीं है कि सरकार के दूसरे स्तर की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, और इसके बजाय वो तीसरे स्तर यानी बीएमसी को आगे रखना चाहती है। राज्य सरकार का इस तरह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना एक आपराधिक गफलत है। राज्य सरकार की विफलताओं पर जब भी सवाल उठाए गए, उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी सरकार पर राज्य को पर्याप्त फंड्स न देने का आरोप लगा दिया। उनके झूठ का पर्दाफाश आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ कर दिया, जिसका सीएम या उनकी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सच्चाई ये है कि बहुत भारी तादाद में प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान कोई राशन नहीं मिला, जिसकी वजह से अधिकतर प्रदेश छोड़कर अपने पैतृक स्थानों की ओर निकलने को मजबूर हो गए। जिस चीज ने स्थिति को और भी शर्मनाक बना दिया वो था राहुल गांधी का ये बयान कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी निर्णय लेने वाली स्थिति में नहीं है। बहुत से मायनों में ये बात इस बात का इकरार था कि गठबंधन के तीनों दल अपनी पार्टी की जेबें भरने के लिए सत्ता में हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में जो तबाही लेकर आई है उसे देखते हुए जरूरत है कि हम स्थिति के एक बड़े दृश्य को देखें। वेस्टमिंस्टर लोकतंत्र अक्सर संख्या का मजाक बना देता है। हमने इसे 1996 में होते हुए देखा, जब HD देवगौड़ा, जिन्होंने कभी राष्ट्रीय नेता बनने की कल्पना भी नहीं की होगी, रातोंरात एक पूरी तरह अवसरवादी सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, जिससे भारत के विकास का एजेंडा पटरी से उतर गया। महाराष्ट्र में 2019 में जो हुआ वो उससे भी बुरा था। इसमें सहयोगियों को बदलकर जनादेश ही चुरा लिया गया। ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र आज अर्थव्यवस्था के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।